अम्बाला में नशे को जड़ से मिटाने का जिम्मा अब अम्बाला पुलिस, रोटरी क्लब अम्बाला सेंट्रल और जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी ने उठाया है, जिसके चलते आज अम्बाला की CGM डॉक्टर सुखदा प्रीतम की अध्यक्षता में जागरूकता मार्च निकाला गया। अम्बाला शहर के प्रेमनगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में CJM डॉक्टर सुखदा प्रीतम ने हरी झंडी दिखाकर और छात्रों को नशे के विरुद्ध जागरूक कर इस मार्च की शुरुआत की। इस मौके पर CJM ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई आज के वक्त में बेहद जरूरी है और अगर राष्ट्र की जड़ों को मजबूत करना है तो नशे पर प्रहार जरूरी है। बता दें, नशे के खिलाफ अम्बाला वासियों को जागरूक करने के लिए अम्बाला पुलिस, रोटरी क्लब अम्बाला सेंट्रल और जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा एक मार्च निकाला गया। नशे के खिलाफ ये मार्च अम्बाला की CJM डॉक्टर सुखदा प्रीतम की अध्यक्षता में निकाला गया। स्कूली छात्रों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के बाद CJM डॉक्टर सुखदा प्रीतम खुद पैदल मार्च पर निकली। ये मार्च अम्बाला शहर के प्रेम नगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से शुरू होकर प्रेम नगर की कॉलोनियों में बाजारों से होता हुआ वापस प्रेम नगर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंचा। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर सुखदा प्रीतम ने बताया कि नशे को हम सबको मिलकर खत्म करना है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ अगर युवा एकजुट हो जाएं तो नशे को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं और नशे के खिलाफ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उन्होंने कहा कि अगर हमने नशे को जड़ से खत्म करना है तो युवाओं के साथ साथ समाज सेवी संस्थाओं को भी नशे के खिलाफ प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। फाइट अगेंस्ट ड्रग्स, दिस इज अ मेजर इशू दीज डेज वी आर डीलिंग विद आर यंगस्टर्स। सो आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हमने एक ड्राइव चलाई है जो कि आज प्रेमनगर स्कूल से चलेगी। इसमें वॉकेथॉन होगा, लोग बच्चे जागरूक करेंगे आम जनता को कि इससे दूर रहें और ये राष्ट्र की जड़ों को खोखला कर रहा है और वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस। खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।